जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जल जीवन और हरियाली योजना के लिए कृषि विभाग ने किया समेकित प्रस्ताव बैठक। यह बैठक प्रखंड प्रमुख सचिन कुमार सिंह और जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती चंद्रकांता की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से राय ली गई और उनके प्रस्तावों को सुना गया। इस बैठक में पिछले दिनों हुए आकस्मिक बीज वितरण कार्यक्रम की भी परिचर्चा की गई, जिसमें कृषि सलाहकार मलय शेखर ने माना कि उनसे ससमय सही तरीके से अवलोकन नहीं हो पाया, जिस कारण काफी गड़बड़ी और सही तरीके आए सही लोगों को बीज वितरण नहीं हो पाया। इस बैठक में जिन प्रतिनिधियों ने बताया कि कार्य सामंजस्य बैठा के किया जाए, इससे गड़बड़ी की स्थिति की संभावना कम होती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य खेतों में जल संरक्षण से फसल बागवानी वानिकी विकास कार्यक्रम वर्षाश्रित कम पानी वाले क्षेत्रों के व्यक्तिगत किसान अथवा किसान समूह कृषक उत्पादक संगठन स्वयं सहायता समूह किसान हित समूह आदि के विभिन्न मॉडलों पर विचार करना है। इन मॉडलों में जल संरक्षण समेकित कृषि प्रणाली जिसमें मुख्य रूप से बागवानी फसलों तथा कृषि वानिकी को प्राथमिकता दी जाएगी को प्रदर्शित किया गया। इसमें जैविक खाद को बढ़ावा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया। इस बैठक में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह कृषि से जुड़े अन्य कई किसान भी मौजूद रहे। जल जीवन और हरियाली योजना के लिए कृषि विभाग ने किया समेकित प्रस्ताव बैठक। यह बैठक प्रखंड प्रमुख सचिन कुमार सिंह और जयनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रकांता देवी की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से राय ली गई और उनके प्रस्तावों को सुना गया। इस बैठक में पिछले दिनों हुए आकस्मिक बीज वितरण कार्यक्रम की भी परिचर्चा की गई, जिसमें कृषि सलाहकार मलय शेखर ने माना कि उनसे ससमय सही तरीके से अवलोकन नहीं हो पाया, जिस कारण काफी गड़बड़ी और सही तरीके आए सही लोगों को बीज वितरण नहीं हो पाया। इस बैठक में जिन प्रतिनिधियों ने बताया कि कार्य सामंजस्य बैठा के किया जाए, इससे गड़बड़ी की स्थिति की संभावना कम होती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य खेतों में जल संरक्षण से फसल बागवानी वानिकी विकास कार्यक्रम वर्षाश्रित कम पानी वाले क्षेत्रों के व्यक्तिगत किसान अथवा किसान समूह कृषक उत्पादक संगठन स्वयं सहायता समूह किसान हित समूह आदि के विभिन्न मॉडलों पर विचार करना है। इन मॉडलों में जल संरक्षण समेकित कृषि प्रणाली जिसमें मुख्य रूप से बागवानी फसलों तथा कृषि वानिकी को प्राथमिकता दी जाएगी को प्रदर्शित किया गया। इसमें जैविक खाद को बढ़ावा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया। इस बैठक में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह कृषि से जुड़े अन्य कई किसान भी मौजूद रहे।